जी हाँ, एक बार फिर तो तुहाडा निघा स्वागत है चैनल पंजाबी उपर और कनेडियन खबरसार प्रोग्राम दे विच। जिस तरह शुरू च गल कीती है कि फैडरल सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर ले ने और जो जो तब्दीलियां कर रहे ने उन्हां दी गल्लां असीं तुहाडे नाल सांझियां करदे आ रहे हाँ। एक होर एक्ट जिहड़ा मैं तुहाडे नाल सांझा करना चाहुंदा हाँ बीते दिन ही उस दी तब्दीली दी गल फैडरल सरकार वल्लों कीती गई है, वह है पब्लिक सर्विस लेबर रिलेशन एक्ट। जिन्हें गवर्नमेंट्स के इंप्लाइज ने, फैडरल गवर्नमेंट की मैं गल कर रहा इस समय 19,000 के करीब इंप्लाइज ने जिहड़े इस एक्ट के तहत आते हैं, वो बारे मैं थोड़ा जिहा पहला पिछोकड़ दे दवां ते हुण इस दे विच की चेंजेस करने चाहुंदी है साडी फैडरल सरकार, मैं उहदी गलबात करांगा। पिछली बारी कंजरवेटिव सरकार ने इस एक्ट नूं चेंज कर दिता सी। इस एक्ट दे विच एक स्पैशल गल आउंदी है कि जिहड़ी सिक लीव्स है उस नूं किस तरह हैंडल करना है। पहला लंबे समय तो की चलिया आउंदा सी, जिन्हें साडे फैडरल गवर्नमेंट नाल काम करन वाले इंप्लॉइज़ ने उहनां नूं साल दे विच 15 छुट्टियां दित्तियां जांदियां सन, जिहनूं उह सिक लीव्स कहिंदे सन। लैट्स से कि साल 2016 दे विच 15 छुट्टियां नहीं लईआं, किसी ने 5 छुट्टियां यूज़ कीतियां ने ते 10 छुट्टियां उस दीआं बच गईआं, तां उस नूं बैंक कर लिया जांदा सी अगले साल दे विच। सो साल 2017 दे विच जाके 15 छुट्टियां नवीआं ते 10 इस साल दीआं ऐड हो गईआं ते 25 छुट्टियां हो गईआं, ते अगले साल इस तरह ही जे होर नहीं यूज़ कीतियां तां 35-40 छुट्टियां हो गईआं। कुछ ही सालां दे विच इह छुट्टियां जिहड़ियां लगभग 180 दिन भाव 6 महीने दीआं छुट्टियां हो जांदियां सन। तो 6 महीने दी छुट्टियां बैंक करन तो बाद जिन्हें फैडरल इंप्लाइज ने वह सिक लीव्स के बहाने छुट्टी ते चले जाते सन। उंज सिक लीव्स नूं कहण दा मतलब यह है कि जिहड़ा बीमार हुंदा उस नूं यह छुट्टी मंजूर हुंदी सी, पर क्योंकि ये उन्होंने पक्का ही रखा सीगा कि 15 छुट्टियां असी 15 दिन बीमार होना ही होना साल दे विच, असी 15 छुट्टियां लैनियां, जे नहीं इस साल असी बीमार होए अगलियां छुट्टियां ऐड करके 6 महीनों दी असी छुट्टियां इकट्ठियां मार लाँगे। सो इस नूं कंजरवेटिव सरकार ने चेंज कर दिता सी, ये कर दिता सी कि एक साल दे विच कोई भी जिहड़ा फैडरल इंप्लॉई है वह सिर्फ 6 छुट्टियां लै सकेगा, और जे छुट्टियां नहीं लैंदा उह ते अगले साल दे विच उह छुट्टियां बैंक नहीं होणगियां, अगले साल दीआं 6 छुट्टियां उस दीआं वक्खरियां होणगियां। इस चीज़ तो यूनियन दे लोग काफ़ी खफा होए। इलैक्शन दे वेले भी तुसीं देखिया कि यूनियन दे लोकां ने किस तरह लिबरल दी सपोर्ट कीती, तो लिबरल हुण उस नूं अपनी मुहब्बत भरी भाजी आ उह मोड़ रहे ने, इस एक्ट दे विच चेंजेस कर रहे ने, मुड़ के फिर उही सिस्टम वापस लैके आउण दी गल कर रहे ने। की फर्क पवेगा? पिछली बारी साडा टैक्स पेयर दा कंजरवेटिव सरकार ने कोई 900 तो उत्ते मिलियन डालर आ हो सेव कीता सीगा, और हुण जिहड़ा फिर ये तब्दीली लै आएगी तो फिर जिहड़ा टैक्स पेयर दे उत्ते जिन्हें भी साडे गवर्नमेंट्स के फैडरल गवर्नमेंट के इंप्लाइज़ ने उन्हां दी तनखाह साडे टैक्स दे विचों जांदी है, सो साडे टैक्स पेयर दे उत्ते 900 मिलियन डालर के करीब होर बोझ पवेगा। हुण इस गल नूं लै के जिहड़े क्रिटिक्स ने वो चिंता प्रगटा रहे ने। दूसरे पासे तुसीं इह वी देख लो, जिथे तुसीं प्राइवेट सैक्टर भाव तुसीं किसी फैक्टरी 'च कम करना होवे, जे तुसीं एक दिन बीमार भी हो गए और एक दिन बीमार हो गए तुहानूं डॉक्टर का नोट लैके जाना पवेगा, अगले दिन डॉक्टर तो नोट लिखा के देना पवेगा, 3 दिन बीमार हो गए तुहानूं लगता कि तुहाडी जॉब खतरे दे विच है, स्पैशल रिक्वेस्ट करनी पवेगी, फोन करना पवेगा कि मैं बीमार हाँ। पर फैडरल लैवल उत्ते अजिहा नहीं है कि तुसीं बीमार होवो जां ना होवो, जिहड़ियां तुहाडियां छुट्टियां ने वो बैंक हुंदियां रहणगियां। दूसरे पासे इह भी है, हुण फैडरल गवर्नमेंट दे जे असीं इंप्लाई देखिए 0.1% पूरे ओवरऑल साडी जिहड़ी लेबर मार्केट है उहदे इंप्लाई होणे ने, ते उस 19,000 इंप्लाईज़ दे विच्चों जे टोटल कैनेडा दे डिसएबिलिटी क्लेम्स देखिए तां उहदे चों 48% डिसबिलिटी दे क्लेम आ जिहड़े उह फैडरल गवर्नमेंट दे इंप्लाई उह लैंदे ने। किवें ना किवें तरह कोई माड़ी मोटी सट बज गई है, डिसबिलिटी दे उत्ते बैठ गए ने। सो इह इक वड्डा चूना लाउंदे ने टैक्स पेयर दे पैसे नूं, इही कारण है कि गवर्नमेंट आ जिहड़ी उन्हों डेफिसिट दे विच जांदी है, यही कारण है कि गवर्नमेंट आ जिहड़ी घाटे दे विच जांदी है। कल घाटे दी चलदी है, बजट नूं पेश करन दे लई मार्च दे विच तरीक आ जिहड़ी सैट कीती गई है कि मार्च दे विच जिहड़ा बजट आ उह पेश कीता जाएगा। बजट की 10 बिलियन डालर दे डेफिसिट दा होवेगा, इस दे बारे च हाले भी जस्टिन ट्रूडो ने खुल के गल नहीं करेगे कि किन्ने घाटे वाला बजट आ जिहड़ा उह पेश कीता जाएगा।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਮਾਡਰਨ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਪ ਟੂ $90 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਨ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ $90 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੁੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਬਰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ।